गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट टीवीएस, चैप्टर नंबर सेकेंड, पीपल विद स्पेशल नीड्स। बच्चों, इस चैप्टर की बुक रीडिंग जो है हम लोग कर चुके थे, एंड देन लेट वी स्टार्ट एक्टिविटीज़। ओके, एक्टिविटी ए, का जो एक्टिविटी ए जो है आपकी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। उसमें जो फर्स्ट है आपका, वी मस्ट टीच बी पोलाइट विद स्पेशल पीपल, मीन्स क्या है वी मस्ट, हमें होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, टीच मीन्स हमें उनको स्पेशल जो पीपल्स होते हैं उनको छिड़ाना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बी पोलाइट, पोलाइट पे टिक मार कीजिए। नेक्स्ट आपका है, विजुअली इम्पेयर्ड कैन नॉट सी एंड हियर, विजुअली इम्पेयर्ड कैन नॉट सी, क्या देख नहीं सकते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड मीन्स क्या होता है, नेत्रहीन, नेत्रहीन मीन्स जो आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो हम इसको क्या कर, किस पे टिक मार्क करेंगे, सी पे टिक मार्क करेंगे बच्चों हम। नेक्स्ट है आपका, लॉविस ब्रेली या लॉविस पास्चर डेवलप ए स्पेशल स्क्रिप्ट, स्पेशल स्क्रिप्ट जो है वो किसने डेवलप की है, लॉविस ब्रेली ने की है, लॉविस पास्चर ने की है, लॉविस ब्रेली, तो आप किस पे टिक मार्क करोगे, लॉविस ब्रेली ने की थी स्पेशल स्क्रिप्ट को डेवलप। नेक्स्ट आपका है, चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स लिव इन एन ओल्ड एज होम ऑर्फनेज, जो चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, विदाउट पेरेंट्स, जिनके माता पिता नहीं होते, वो कहाँ पे रहते हैं, ऑर्फनेज में रहते हैं या ओल्ड एज होम में होते हैं, कहाँ पे होते हैं, ऑर्फनेज में, तो किस पे टिक मार्क करोगे, ऑर्फनेज में, आया था ना चैप्टर में, बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट है, पीपल हु हियर लेस यूज, मीन्स क्या है, पीपल हु हियर लेस यूज, जिनको कम सुनाई देता है वो किसका यूज करते हैं, हियरिंग एड्स का। ओके, एक्टिविटी ए जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेट मी स्टार्ट एक्टिविटी बी, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स का जो फर्स्ट है, पीपल हु कैन नॉट सी आर कॉल्ड, जिनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता है वो क्या कहलाते हैं, वो लोग क्या कहलाते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड, फिल कीजिए इसको, वी आई एस यू ए डबल एल वाई, विजुअली इम्पेयर्ड, आई एम पी ए आई आर ई डी, इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड। नेक्स्ट, डीफ एंड डम पीपल कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ, किससे बातें करते हैं, किस तरीके से बातें, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो बातें करने के लिए, साइन लैंग्वेज, कौन सी, साइन लैंग्वेज, एस आई जी एन साइन, एल ए एन जी यू ए जी ई, लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका, द डैश स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ रेज डॉट टू बी यूज्ड बाय द डैश पीपल, इसका जो फर्स्ट है द ब्रेली स्क्रिप्ट, कौन सी स्क्रिप्ट है, ब्रेली, बी आर ए आई डबल एल ई, ब्रेली स्क्रिप्ट, कंसिस्ट ऑफ रेज डॉट, मीन्स ब्रेली स्क्रिप्ट में क्या होता है, रेज्ड डॉट होते हैं, मीन्स उठे हुए डॉट्स होते हैं, जिनसे वो अपने हाथों से चेक करके वो बता सकता है कि ये कौन कौन से डॉट्स हैं, टू बी यूज बाय द विजुअली इम्पेयर्ड, वी आई एस यू ए डबल एल वाई, विजुअली इम्पेयर्ड, आई एम पी ए आई आर ई डी, इम्पेयर्ड पीपल, क्लियर। नेक्स्ट जो है आपका फोर्थ, ओल्ड पीपल आर डैश पीपल, ओल्ड पीपल कैसे होते हैं, वीक, डब्ल्यू ई ए के, वीक। ओके, नेक्स्ट, वी शुड गिव डैश डैश एंड डैश टू स्पेशल पीपल, हमें क्या देना चाहिए स्पेशल पीपल को, अटेंशन, ए डबल टी ई एन टी आई ओ एन, अटेंशन। नेक्स्ट है केयर, सी आर ई केयर, उसके बाद आपका आता है लव, एल ओ वी ई लव टू स्पेशल पीपल, क्या क्या देना चाहिए, अटेंशन, केयर एंड लव। ओके, बी एक्टिविटी कंप्लीट, लेट मी स्टार्ट एक्टिविटी सी। एक्टिविटी सी जो है आपकी, ट्रू फॉल्स है, हियरिंग एड्स हेल्प पीपल हु कैन नॉट सी, हियरिंग एड्स, हियरिंग एड्स का यूज़ कौन करता है,
जिनको सुनाई नहीं देता है वो लोग थोड़ी ना करते हैं जिनको दिखाई नहीं देता है। तो इस पे क्या आएगा? फॉल्स। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? फॉल्स। एफ लिख दीजिए। नेक्स्ट आपका आएगा पीपल विद स्पेशल नीड्स आर कॉल डिफरेंटली एबल पीपल। राइट, ट्रू लिखिए यहाँ पे। पीपल विद स्पेशल नीड, जिनको विशेष सहायता की आवश्यकता होती है वो लोग क्या कहलाते हैं? डिफरेंटली एबल पीपल कहलाते हैं, यानी कि निर्बल या कमजोर व्यक्ति कहलाते हैं। ओल्ड पीपल लिव इन ए ऑर्फनेज, जो बूढ़े लोग होते हैं वो ऑर्फनेज में रहते हैं क्या? नहीं, वो कहाँ पे रहते हैं? ओल्ड एज होम में। ऑर्फनेज में कौन रहता है? जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते हैं, अनाथ होते हैं। या नेक्स्ट है आपका फिजिकल डिफेक्ट आर ऑलवेज फ्रॉम बर्थ। फिजिकल डिफेक्ट जो होता है ऑलवेज बर्थ, हमेशा जन्म से होता है? नहीं, फॉल्स करिए इसको। विजुअली इम्पेयर्ड सी विद देयर फिंगर्स, जो विजुअली इम्पेयर्ड जो होते हैं वो अपने फिंगर्स से देखते हैं, या फिर कुछ भी डॉट्स वगैरह जो देखते हैं, पढ़ते लिखते हैं अपने फिंगर्स से ही तो पढ़ते हैं ना। तो इसको क्या करोगे? ट्रू कीजिए। ओके, तीनों एक्टिविटीज जो है ए बी एंड सी कंप्लीट हो चुकी है। डू इन योर होमवर्क नोटबुक। ओके, राइट नीट एंड क्लीन। थैंक यू।